देश भर में बारिश का सितम जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। इस मानसून सीजन में मुंबई में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शहर को पानी पहुंचाने वाली झीलें भी लगभग पूरी तरह भर चुकी है। वहीं IMD यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। ये बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में होने की संभावना है। ये अलर्ट 15 सितंबर के लिए जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि 16 सितंबर से पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश थोड़ी कम हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में बारिश ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देर से सक्रिय हुए मानसून से किसी को ये उम्मीद नहीं थी। पिछले 60 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो चौथी बार सबसे ज्यादा पानी इस वर्ष गिरा है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए आने वाले 1 सप्ताह तक कम ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं हरदा, होशंगाबाद, नीमच, मंदसौर, रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर और रतलाम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि यहां अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वहीं बड़वानी, दमोह, देवास, धार, इंदौर, राजगढ़, विदिशा और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि यहाँ अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, आगर, अलीराजपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, गुना, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, मंडला, शाहजहांपुर, सागर और सिवनी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। शुक्रवार रात से हो रही तेज बारिश के चलते मंदसौर में बाढ़ के जैसे हालात बन गए हैं। चंबल, शिवना, तुम्बड़, रेतम, सोमली, अंजनी, रेवा सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। हालातों को देखते हुए कलेक्टर ने लोगों से अपने ही घरों में रुकने की अपील की है। बिना वजह नदी नालों के किनारे घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पानी की तेज आवक के चलते गांधी सागर बांध के सभी 19 गेट खोल दिए गए हैं। शिवना नदी ने एक बार फिर भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया है। पूरे मंदिर परिसर में पानी घुस गया है। एहतियात यहां सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मंदसौर में बारिश के कारण मल्हारगढ़, जीरन मार्ग, मनासा मंदसौर, नीमच कोटा, नाहरगढ़ बिल्लोद, सीतामऊ मंदसौर मार्ग बंद है। वहीं मालवा में, इंदौर और उज्जैन में लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं और वहीं उज्जैन की जीवन रेखा मोक्षदायिनी मां शिप्रा भी उफान पर है। शिप्रा खतरे के निशान को छूते हुए बह रही है। घाटों के किनारे के मंदिर डूब चुके हैं। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। भोपाल, बालाघाट, बैतूल, राजगढ़, विदिशा सभी जगह बारिश से हालात खराब है। बारिश से परेशानी के ये हालात आगे भी बने रहने के आसार हैं, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।